कंप्यूटर को फॉर्मेट क्यों किया जाता है? अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो आपने कभी न कभी यह सुना होगा कि कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाना पड़ेगा। तो आखिर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है और कंप्यूटर को फॉर्मेट क्यों करना पड़ता है? क्या कंप्यूटर को फॉर्मेट करना जरूरी है और फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? और क्या कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से कंप्यूटर के जितनी भी डाटा है, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, जो कुछ भी, वो सारे फाइल्स डिलीट हो जाते होंगे? आखिर क्या होता है? आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर कंप्यूटर को फॉर्मेट क्यों करना पड़ता है और फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका एडवांस सेल पर यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें चलता है विंडोज, उसमें क्या होता है विंडोज, चाहे विंडोज 7 होगा, चाहे विंडोज 10 होगा, चाहे विंडोज 11 होगा, राइट है। या फिर जो महंगे कंप्यूटर आते हैं जैसे एप्पल का हो गया, उनमें चलता है iOS, ओके। तो जो विंडोज होता है वो किस में होता है? हमारे सी ड्राइव पर। आपको पता होगा, आप कंप्यूटर अगर यूज करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, तो माई कंप्यूटर जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको CDEFG बहुत सारे आपको ड्राइव्स मिल जाएंगे, ओके। तो जो सी ड्राइव होता है उसमें क्या होता है? हमारा विंडोज होता है। उसमें क्या होता है? हमारा सारे सॉफ्टवेयर, जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पर, वो सारे सॉफ्टवेयर का डाटा आपके सी ड्राइव पर ही स्टोर होता है, राइट है। लेकिन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हो, तो फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता कि आपके कंप्यूटर पर जितनी भी डाटा है, जो कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपको ये पता होगा, अगर हम कोई पेन ड्राइव लेते हैं, उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर पर इंसर्ट करते हैं, फिर लैपटॉप पर उसे डालते हैं और उसे फॉर्मेट करते हैं, तो पेन ड्राइव का जितने भी डाटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का मतलब यह है कि उसमें जो विंडोज डाली होती है, जो सी ड्राइव होता है, सिर्फ उसे फॉर्मेट किया जाता है, नया विंडोज इंस्टॉल किया जाता है, उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। बेसिकली अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि कंप्यूटर में जितनी भी डाटा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का मतलब यह है कि उसमें जो विंडोज डली हुई है उसे हमको चेंज करना पड़ेगा, उसे नया विंडो हमें डालना पड़ेगा। और ऐसा सिचुएशन कब आता है? जब आपके कंप्यूटर पर बहुत सारे वायरस अटैक हो जाते हैं, जब आपका विंडो प्रॉपर वर्क नहीं करता, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है, या फिर साउंड नहीं आ रहा, बहुत कुछ यहाँ पर दिक्कतें आती है, तब जाकर के विंडोज को चेंज करना पड़ता है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप नए वर्जन का इस्तेमाल करें, या फिर कोई नए विंडो को आप ट्राई करना चाहते हैं, ऐसे केस में कंप्यूटर के विंडो को चेंज करना पड़ता है, जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सी ड्राइव है, जिसमें आपका विंडो इंस्टॉल होता है, उसे फॉर्मेट करना पड़ता है, ना कि आपके पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है। याद रखिए, आज के टाइम पर जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें अलग से SSD लगाया जाता है, हार्ड डिस्क अलग होता है, SSD अलग होता है, और जितना भी आपका विंडोज का जो फाइल है वो आपके SSD पर ही सेव होता है, ना कि आपके हार्ड डिस्क पर। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे, नया विंडो डालेंगे, तो आप उसे SSD पर इंस्टॉल करेंगे, तो आपको सिर्फ SSD को ही फॉर्मेट करना पड़ेगा, जबकि आपका जो सारा डाटा वो किस में है? आपके हार्ड डिस्क पे है। तो आपका हार्ड डिस्क का जो डाटा है बिल्कुल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, सिर्फ जाएगा तो क्या? आपका सी ड्राइव। अब आपके सी ड्राइव पर जितने भी डाटा होंगे, जो कुछ भी डाटा, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई फाइलें हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई वीडियोस हो, जो कुछ भी आपके सी ड्राइव पर होगा वो सब कुछ यहां से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है जो कहते हैं, फिर कंप्यूटर जो फॉर्मेट करते हैं उसका मतलब यह है कि उसमें जो विंडोज डला उसे हटा करके उसमें नया विंडो इंस्टॉल किया जाता है, उसे ही फॉर्मेट कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसा जरूरत कब पड़ता है, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़े। मैंने आपको ये भी बता दिया कि बस जब वायरस आ जाती है, जब प्रॉपर वर्क नहीं करता, विंडोज बार बार करप्ट होते रहता है, तो ऐसे केस में फॉर्मेट करना पड़ता है, नया विंडो इंस्टॉल करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो डेस्कटॉप होता है, जहां पर आप कोई भी फाइल को जाकर उठ पटाक देते हो, कुछ भी जल्दीबाजी में रहते हो तो फाइल को डेस्कटॉप पर डाल देते हो, तो वो जो डेस्कटॉप पर जो फाइलें डालते हो ना, वो भी आपके सी ड्राइव पर ही जाता है। याद रखना, जो डेस्कटॉप होता है, तो डेस्कटॉप हो गया, आपका डॉक्यूमेंट हो गया, इसमें जितने भी आप फाइलें रखते हो वो सारा फाइल आपके सी ड्राइव पर ही सेव होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करने जा रहे हैं, नया विंडो डालने जा रहे हैं, तो आप अपने डेस्कटॉप की जितनी भी फाइलें हैं, अब उन्हें कॉपी करके फिर मूव करके अपने ई ड्राइव या फिर एफ ड्राइव या फिर जी ड्राइव पर जाकर डाल देना, तभी वो सेव रहेगा, वरना
आपकी जो डेस्कटॉप की डाटा है वो इरेज हो जाएगी, डिलीट होगी, क्योंकि बहुत लोग नहीं जान पाते कि डेस्कटॉप का डाटा किस में रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेस्कटॉप की जितनी भी फाइलें वो आपके सी ड्राइव पर ही सेव होता है। जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो सी ड्राइव को ही फॉर्मेट किया जाता है, फिर उसी सी ड्राइव पर नया विंडो को इंस्टॉल किया जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर को फॉर्मेट करना कहते हैं या फिर नया विंडो इंस्टॉल करना कहा जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है और कैसे किया जाता है, और इसमें आपके कौन सी डाटा लॉस होती है और कौन सी डाटा आपका सेव रहता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल 72, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।